श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, चिड़ा चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक माह की पूर्णिमा से अगले दिन प्रतिपदा पड़वा को पढ़ते हैं और वर्ष 2023 में यह कहानी 28 नवंबर 2000 पड़वा की एक बहुत ही खास बात है। इस दिन जो भी मनुष्य या जो भी जिसका घर न बना हो वो अपना चावल या गेहूं से किसी से भी अपना घर बनाए और उसकी पूजा करे, उसमें आटे की चिड़िया बनाए और उसमें बैठा ले और उसकी पूजा करे तो उसका घर जरूर बन जाता है और विश्वास से करा गया कार्य जरूर पूरा होता है। देखिए, जैसे कि हमने बनाया है वैसा ही आप भी बनाइए। और कहानी सुन कहानी कहते हैं, फिर एक बार की बात है, चार चिड़िया थी, वह चारों को ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहा कर आ गई, बाकी नहीं आए। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी का खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथनी भी राजा के यहाँ आ गई राजकुमारी बनी। चिड़िया अगले को पिछले जन्म की बात सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी को अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जा। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। राजा ने पूछा तब उसने कहा मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमार उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा ये सब देख रहा था, उसने तलवार निकाल कर राजकुमारी से कहा कि सच बता तू कौन, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े के साथ कार्तिक स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे। और इसलिए यह कहानी समाप्त होती है। आप भी ऐसा ही कार्य करिए, आपका भी घर जरूर बनेगा। और मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।